महाराजा अग्रसेन जी पूरे समाज के थे, और समाज की जो परिकल्पना आज यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा है। जब हम राजनीतिक विचारधारा को भूलकर यहाँ पर सभी दलों के लोग और सभी समाज के लोग एकत्रित हैं, ये महाराजा अग्रसेन जी का आशीर्वाद है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। मैं बधाई दूंगा इस संस्था को, जिन्होंने इसको आज उनको केयर टेकिंग का काम मिल रहा है उनको बधाई है, और अपनी 2-in-1 स्कीम को भी बधाई दूंगा। कोई श्री वंदना जेटली कह रहा था, कोई श्रीमती शशि जेटली कह रहा था जी सर। तो ये 2-in-1 स्कीम में हमारी कई जगह चल रही है, और आप जिस प्रकार से इन्हें प्यार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये स्कीम भी कंटिन्यू रहेगी जी सर। मैं अपने मंडल अध्यक्ष सेनापति पुनीत जी का भी, क्योंकि जो काम भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद करता है उसके पीछे उसकी टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है। साथियों, अभी शशि जी कह रहे थे बाहर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्हें समाज एकजुट हो तो अच्छा नहीं लगता है। आज यहाँ समाज एकजुट है, यहाँ हम पंजाबी और वैश्य समाज के लोग नहीं बैठे, हम समाज के लोग बैठे। और महाराजा अग्रसेन जो है वो बरकत का नाम है, जहां बरकत होगी वहां कुछ लोगों को तकलीफ जरूर होगी, तो उनकी तकलीफ जो है स्वाभाविक है। 2009 में मैं एक जगह पुनीत जी चुनाव का अधिकारी था, तो कुछ लोग मेरे घर प्रदर्शन करने आए, कुछ की जी चुनाव है जी, ऐसे कर दो वैसे कर दो, थोड़ी सी नेचर अड़ियल है। तो मैंने कहा भाई होगा वो जो जनता हित में होगा। तो कह रहे तेरे घर के शीशे तोड़ देंगे कल आके जी। मैंने कहा भाई साहब अभी तोड़ जाओ ताकि पब्लिक को पता चल जाए मैं नेता बन गया हूँ सर। तो अगर वो कुछ कर रहे हैं तो इसमें हमारी सफलता निहित है। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी, उनका एक ही नारा है सबका साथ और सबका विकास। वो सबका साथ किसी कास्ट का नहीं है, किसी समाज का नहीं है, समाज के हर वर्ग का, जिसका प्रतिनिधित्व और जिसका आशीर्वाद समाज के साथ है। महाराजा अग्रसेन जी से पहले भी समाज था, लेकिन उन्होंने क्या बीड़ा उठाया कि समाज को मजबूत करना है, समाज को ऊपर उठाना है। मेरा अबोहर में लगातार जाना होता है, और कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं अबोहर जा रहा हूँ और महाराजा अग्रसेन जी के स्थान पर ना जाऊँ। और तब से जाता हूँ जहाँ जब वहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सुविधाएं थी। आज तो ईश्वर की कृपा है, अनेक ट्रस्ट बन गए, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर एयरपोर्ट भी महाराजा अग्रसेन जी के नाम से दे दिया है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जिस शख्सियत के नाम पर आज रानीबाग में वंदना जेटली जी ने प्रयास करके, इन लोगों ने प्रयास करके, जो लोग यहाँ पर बैठे आज अगर भवन का नामकरण किया है, तो महाराजा अग्रसेन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, ना किसी जाति विशेष पर एहसान कर रहे हैं। हम समाज को बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने समाज की रेखाएं खींची थी आज उनके पुरने पूरे हो रहे हैं, और हम आने वाली पीढ़ी को बताने जा रहे हैं कि महाराजा अग्रसेन किस प्रकार के व्यक्तित्व थे। आप ध्यान कीजिए, अभी आपने बाबूजी ने बहुत सारी योजनाएं बताई, बाबूजी भी बता रहे थे बाबूराम जी कि ये होगा ये होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस भवन में महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बता सके उसको बताइए। आज जरूरत है समाज को, समाज में एक वैक्यूम आ गया है। हम काम करते ही हम चाहते हैं मेरा नाम हुआ कि नहीं हुआ, महाराजा अग्रसेन ने ऐसा कभी नहीं चाहता। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा मैं उनको बता देना चाहता हूँ, याद करा देना चाहता हूँ, उनकी माता का नाम भगवती देवी जी, ठीक है, उनकी जो दो रानियां माधवी जी और सुंदरावती जी, उन दोनों को साथ लेके चले गए वो, कि नहीं भाई तू घर कैसे बैठेगी जी, जैसे अपने बॉस लगे हुए हैं ना जी, साथ के साथ चलना पड़ेगा। आज हम क्या कर रहे हैं अपनी महिला शक्ति को, तू घर रहा मैं क्लब में जा रहा हूं, ना भाई। महाराजा अग्रसेन के अगर वंशज हैं तो जिनका बराबर का हिस्सा है, जिनकी बराबर की आबादी है, उनका हाथ पकड़ कर उनको आगे ले जाना। यहां महिलाओं के लिए अलग विंग हो। और महाराजा अग्रसेन की जीवनी को जितना आप पढ़ते जाइए, एक एक अध्याय पढ़ते जाइए, वो अपने आप में एक वेद है। किस प्रकार से समाजवाद की, ये वाला यूपी वाला समाजवाद नहीं जी, इधर वाला समाजवाद, उस समाजवाद की नींव रखी, एक रुपया एक ईंट, एक रुपया एक ईंट, किसी को देने में भी तकलीफ नहीं हुई, और समाज का इतना बड़ा विशाल रूप खड़ा हो गया जो आज कई लोगों के लिए अनुकरणीय। जितने राजनीतिक आंदोलन हुए,
वो इसी चंदे की परंपरा से हुए कि सबका योगदान चाहिए। आज हमारी पार्टी भी कोई काम करती तो कहती है माइक्रो डोनेशन, लो भैया लखपति मत ढूंढो, 5 रुपए वाला ढूंढो जी, रिक्शे वाला ढूंढो जी। तो मैं आज ऐसी विभूति के चरणों में नमन करते हुए, और ये नामकरण मात्र नामकरण नहीं है, ये हमारे उनकी चरणों में पुष्पांजलि है। दिल्ली नगर निगम, वंदना जेटली जी और जिन लोगों ने यहाँ पे इसके बनाने में सहयोग किया था और जिनके मन में इसके होने की सुंदरता बसी हुई है, वो वाले नहीं इधर वाले, जिनके मन में सुंदरता नहीं है वो अलग जाने, हमें उनके बारे में ज्यादा चर्चा